उत्तम क्लासेज स्टडी ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना SD सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद SD सर में। आज हम पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल यौगिकों का विरचन। कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाता है। इसके अंतर्गत दो तरह के क्रियात्मक समूह आते हैं, दोनों पर एल्गिन समूह जुड़ा हुआ है तब तो कीटोन, और एक पर एल्गिन एक पर हाइड्रोजन, या दोनों पर हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है तब कहते हैं एल्डिहाइड। इनका विरचन पढ़ रहे थे, तीन प्रकार से विरचन करेंगे। पहला पढ़ा था वो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का विरचन, वह विधि पढ़ी थी। आठ प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हमने जिसमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और कीटोन भी प्राप्त होता है। आज हम पढ़ेंगे जिसमें केवल व केवल किसका संश्लेषण होगा, एल्डिहाइड का, और उसके बाद में तीसरी विधि पढ़ेंगे सी, उसमें केवल व केवल किसका संश्लेषण होगा, कीटोन का। तो एल्डिहाइड का विरचन या केवल एल्डिहाइड का विरचन, उसमें एक अभिक्रिया है वह है एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से, एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से। इस अभिक्रिया का एक नाम भी है, नेम रिएक्शन भी है, इसको पढ़ते हैं स्टीफन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको भाई? स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है स्टीफन अभिक्रिया कौन सी है, दो तीन अभिक्रिया दे देंगे तो वहां पर एल्केन नाइट्राइल का अपचयन होगा, उस अभिक्रिया को बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। और अपचयन भी एक उपयुक्त अपचायक की उपस्थिति में होता है जिसमें स्टेनलेस क्लोराइड और HCl को ईथर के माध्यम में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रो एल्केन एल्केन नाइट्राइल आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको एल्केन साइनाइड भी बोल सकते हो, एल्केन नाइट्राइड का अपचयन किया जाता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। ये अभिक्रिया है वो होती है SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड और HCl के साथ ईथर की उपस्थिति में या ईथरीय माध्यम में इसके साथ होती है। तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है एल्डेनिन। क्या बनता है? एल्डेनिन। यहां से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, एक यहां पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये बन गया एल्डेनिन। ये R, ये CH डबल बॉन्ड NH, और इसके साथ प्रतिस्थापित हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं एल्डेनिन। क्या बोलते हैं भाई? एल्डेनिन। ये एल्डेनिन यौगिक बनता है। इस एल्डेनिन यौगिक का किया जाता है जल अपघटन। क्या किया जाता है भाई? जल अपघटन। इसका करते हैं जल अपघटन, मीन्स इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जल को अणुसूत्र क्या होता है, या जल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? HOH के द्वारा, H2O। जल अपघटन किया जा सकता है, जल अपघटन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं H3O+ के द्वारा। जब ये अभिक्रिया करवाएंगे तो ये यहां से अपघटित हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा, ये RCHO बन जाएगा, और ये NH2 है, अरे 2O आ जाएगा, NH4, और वो क्या बन जाएगा? CA। तो एक यौगिक तो हमारा बन गया ये R, इस R से ये C, C से क्या जुड़ा हुआ? H। कार्बन की दो संयोजकता मुक्त है, उन दोनों संयोजकता पर ये ऑक्सो समूह आकर के जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया भाई? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। ये NH2 है और ये दो H4 आ गए, क्या बन गया? NH4, और पीछे क्या बचा? Cl। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। बात इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? स्टीफन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसका क्या किया? अपचयन किया। किसकी उपस्थिति में किया? स्टेनलेस क्लोराइड और HCl प्लस लिख दो भले, ईथरीय माध्यम में किया, तो क्या बना? एल्डेनिन। उसका क्या किया हमने? जल अपघटन। तो किसका निर्माण हुआ? एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। एक इसका पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया जैसे एथेन नाइट्राइड ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका अपचयन करते हैं, ये अपचयन करवा दिया, ये अपचयन कर दिया, किसकी उपस्थिति में? स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl, कौन से माध्यम में? ईथरीय माध्यम में, ईथर की उपस्थिति में। जब करेंगे तो कौन सा यौगिक बन जाएगा? एल्डेनिन बन जाएगा। ये एल्डेनिन बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH.HCl। इसका करना क्या है?
जल अपघटन करना है। जल को हम इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं एच ओ एच। जैसे ही जल अपघटन करेंगे ये जल अपघटन यहां से अपघटित हो जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये क्या बन गया आर सी एच ओ, मीन्स क्या बन गया सी एल थ्री सी एच ओ प्लस क्या बन गया एन एच फोर सी एल, ये तो सह उत्पाद के रूप में निकल गया बात। और ये क्या बन गया एथेनेल, क्या बन गया भाई एथेनेल, सी एच ओ समूह एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड बन गया। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है एक बार और देख लेते हैं, एल्केन नाइट्राइल का अपचयन करना है किसकी उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड और एचसीएल की उपस्थिति में इथरीय माध्यम में करना है, क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा, उसका क्या करना है जल अपघटन करना है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। केवल एल्डिहाइड का विरचन उसमें अभिक्रिया नंबर एक पढ़ी हमने स्टीफन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जानकारी में रखना। एल्केन नाइट्राइल का अपचयन करते हैं स्टेनस क्लोराइड और एचसीएल की उपस्थिति में, तो निर्माण किसका होता है या संश्लेषण किसका होता है एल्डिहाइड का होता है। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं वो है एल्केनोइल क्लोराइड के अपचयन से, किसके अपचयन से एल्केनोइल क्लोराइड के अपचयन से, ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार मैक्सिमम टाइम, ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मैक्सिमम टाइम अधिकांशतया एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें होता क्या है कि इसमें एल्केनोइल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है उबलती हुई जाइलिन में पीडी प्लस बीएएसओ4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसका एल्केनोइल क्लोराइड का। एल्केनोइल क्लोराइड किसे कहते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल को कहा जाता है एल्केनोइल क्लोराइड। इसका किया जाता है अपचयन, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में पीडी प्लस बीएएसओ4 उपस्थिति में, पीडी प्लस बीएएसओ4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यह है वो उबलती हुई जाइलिन में, उबलती हुई जाइलिन में ली जाती है। जब अपचयन की अभिक्रिया करवाई जाती है ये Cl क्लोराइड इस H के साथ अभिक्रिया करके HCl के रूप में निकल जाता है बाहर, और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, बन जाता क्या है ये यौगिक बन जाएगा, ये R ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा H, और ये HCl के रूप में निकल जाएगा बाहर, और इस यौगिक को क्या बोलते हैं भाई एल्डिहाइड, और हम किसका संश्लेषण पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का संश्लेषण। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये हो गया एल्केनोइल क्लोराइड, क्या है ये एल्केनोइल, एल्केनोइल क्लोराइड। इस एल्केनोइल क्लोराइड का हमने क्या किया अपचयन किया, किसकी उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में पीडी प्लस बीएएसओ4 के साथ, तो कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हुआ। यहाँ पर दो तरह के यौगिक है, एक है पीडी और दूसरा है बीएसओ4। ये पीडी तो यहाँ पर करता है उत्प्रेरक का कार्य, किसका कार्य कर रहा है उत्प्रेरक का या उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, परंतु यहाँ पर जो BSO4 है ये BSO4 कार्य कर रहा है उत्प्रेरक विष का, किसका कार्य कर रहा है उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जिसमें ये BSO4 है जो कार्बोनिल यौगिक को मीन्स एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, इसलिए यहाँ पर लिया जाता है BSO4। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है पीडी, BSO4 किसका कार्य कर रहा है उत्प्रेरक विष का, BSO4 को क्यों लिया जाता है, तो कारण इसका यह है कि यह कार्बोनिल यौगिक को किसमें अपचयित होने से रोकता है एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। तो अगर हम यहां पर एक अभिक्रिया देख लें पहले, तो ये ले लिया एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड इसका अपचयन किया, ये अपचयन कर दिया उबलती हुई जाइलिन के माध्यम में, किसके माध्यम में उबलती हुई जाइलिन के माध्यम में, किसके साथ पीडी प्लस बीएएसओ4 उत्प्रेरक के साथ, उबलती जाइलिन जब करेंगे तब प्राप्त क्या हो जाएगा एचसीएल निकल जाएगा बाहर, और ये बन गया कार्बोनिल यौगिक, कौन सा कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा एल्डिहाइड में CH3CO CHO, और एचसीएल निकल जाएगा बाहर, ये क्या बन गया एथेनेल, क्या बन गया भाई एथेनेल।
ओके, ये सरल सी अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो होता है कि यहाँ पर BaSO4 किसका कार्य कर रहा है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। BaSO4 यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक विष का। BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, विष का कार्य करता है, कार्य करता है जो एल्डिहाइड को, किसको भाई, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को एल्कोहल में, जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, रोकता है, इसलिए किसको लिया जाता है, BaSO4 को लिया जाता है। दूसरा यहां पर यौगिक प्राप्त हुआ वो तो क्या है, एथेनॉल। अगर हम मेथेनॉल बनाएं तो यहां पर जो एल्केनोइल क्लोराइड लेंगे, वो एल्केनोइल क्लोराइड कौन सा लेंगे, HCOCl लेंगे, यही लेंगे ना भाई, HCOCl ये लेंगे, तब क्या प्राप्त होगा आगे, एथेनॉल की जगह मेथेनॉल प्राप्त होगा। ये HCOCl है वो होता है अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो अगर पूछ ले रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा मेथेनॉल को प्राप्त किया जा सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। और पूछ ले क्यों नहीं कि प्राप्त किया जाता है, तो उसका कारण है HCOCl है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। तो दूसरा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे मीन्स किससे, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा मेथेनॉल का संश्लेषण, मेथेनॉल मीन्स अणुसूत्रीकृत HCHO का विरचन नहीं किया जाता है, विरचन नहीं किया जाता है, विरचन नहीं होता है, ऐसे लिख दो, नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, तो उसका कारण है क्योंकि HCOCl मीन्स फॉर्मिल क्लोराइड, HCOCl ये नाम लिख सकते हो आप, फॉर्मिल क्लोराइड अस्थाई होता है या स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। ये हो गई हमारी रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। होता क्या है, एक बार वापस देख लो, एल्केनोइल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है किसकी उपस्थिति में, उबलती हुई जाइलिन के माध्यम में PD प्लस BaSO4 के साथ, तो एल्डिहाइड का संश्लेषण होता है, इसे रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये जो BaSO4 है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, और ये विष का कार्य कैसे करता है या क्यों लिया जाता है इसको विष के रूप में, तो ये एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, नहीं तो एल्डिहाइड किस में अपचयित हो जाता है, एल्कोहल में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एल्डिहाइड में सारे एल्डिहाइड बनेंगे परंतु एक एल्डिहाइड नहीं बनता, वो कौन सा एल्डिहाइड नहीं बनता है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड है वो अस्थाई होता है। ये हो गई हमारी रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, केवल एल्डिहाइड का विरचन, उसमें तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, दो पहले पढ़ चुके हैं, स्टीफेन अभिक्रिया, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, दोनों नेम रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इनको सेटअप कर लेना अपने माइंड में। अगली अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से, ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं इटार्ड, इटार्ड अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है, और कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है भाई कि इसमें क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम में, अक्रिय माध्यम में टालुइन के साथ करवाई जाती है, किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, टालुइन के साथ। टालुइन में क्या होता है, बेंजीन वाले पर मेथिल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, इसको बोलते हैं टालुइन, क्या बोलते हैं भाई, टालुइन। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, इसका अनुसूत्र होता है CrO2Cl2, इसके साथ करवाते हैं अक्रिय माध्यम में, माध्यम लिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के अक्रिय माध्यम में करवाई जाती है। जब करवाई जाता है तो एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है जिसे कहते हैं क्रोमिल संकुल, कौन सा संकुल बनता है, क्रोमिल संकुल, ये CH ये प्रतिस्थापित हो जाता है इसमें और ये बन जाता है OCOHCl2 का होल टूच, ये बन गया क्रोमिल संकुल, क्या बन गया, क्रोमिल संकुल बन गया, या आप कह सकते हो मध्यवर्ती संकुल बन गया। इस मध्यवर्ती संकुल का किया जाता है जल अपघटन, क्या करते हैं भाई, जल अपघटन करते हैं, H3O+ के द्वारा प्रतिशित कर सकते हैं या जल अपघटन। जब जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त होता है बेंजोएल्डिहाइड, किसका निर्माण होता है, बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होता है,
बेंजे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जैसे ही बेंजे एल्डिहाइड बनता है तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इटाल्ड रिएक्शन कहते हैं या इटाल्ड अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, होता क्या है, टालुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो एक संकुल बनता है जिसे कहते हैं क्रोमिल संकुल, मध्यवर्ती संकुल बनता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमिल संकुल। और उस क्रोमिल संकुल का किया जाता है जल अपघटन, तो प्राप्त होता है बेंजाल्डिहाइड, इसे कहा जाता है इटाइल्ड अभिक्रिया। इससे जो एल्डिहाइड बना, ये एल्डिहाइड कैसा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इससे पहले बना था वो कैसा था, एलिफेटिक। एक हम ये अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं केवल एल्डिहाइड के विरचन में, वो नंबर चार अभिक्रिया है, वो है चौथी अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया है गाटरमान कोक, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है एल्डिहाइड बनाने की, इससे भी जो एल्डिहाइड बनेगा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। नाम क्या है, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6, इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल मीन्स शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। जैसे ही करवाई जाती है ये CO समूह यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl के रूप में निकल जाएगा बाहर, और ये H इस पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब ये यौगिक बन जाएगा। बेंजीन वाले तो है ही है, इस बेंजीन वाले पर जो H था वो तो निकल गया बाहर, और जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा, वो कौन सा समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा, C(O), और इससे एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाएगा H, और ये Cl बचा, और वहाँ से H आएगा, वो इसके साथ अभिक्रिया करके किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया भाई, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड बन गया। इस अभिक्रिया को कहा जाता है गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। पहली दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, स्टीफन अभिक्रिया, रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया, दोनों में ही एलिफेटिक बना, और यहां पर दोनों बने वो कैसे हैं, एरोमेटिक। और रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं तीसरी अभिक्रिया, वो है केवल कीटोन का विरचन, कार्बोनिल यौगिकों का विरचन। उसमें पहली अभिक्रिया पढ़ी थी नंबर ए पॉइंट, वो एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन, नंबर बी पढ़ा था केवल एल्डिहाइड का विरचन, और नंबर सी है केवल कीटोन का विरचन। पहली में 8 अभिक्रियाएं पढ़ी, दूसरे में 4 अभिक्रियाएं पढ़ी, अब है ये केवल कीटोन का विरचन। उसमें अभिक्रिया है नंबर एक, वो है एसिटिक एस्टर से, किससे, एसिटिक एस्टर से किसका विरचन करना है, कीटोन का विरचन करना है। तो जो एसिटिक एस्टर या इसका व्युत्पन्न होता है, उस व्युत्पन्न का सारीय जल अपघटन किया जाता है, मीन्स सार की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो कीटोन का संश्लेषण होता है या कीटोन का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे एक हमने लिया एसिटिक एस्टर, ये है जैसे एसिटिक एस्टर CH3C(O), ये CH2, ये C(O), ये O, और ये C2H5 एसिटिक एस्टर है। इसका जल अपघटन किया जाता है सार की उपस्थिति में, करना तो क्या है, जल अपघटन करना है, किसकी उपस्थिति में, सार की उपस्थिति में, सारीय माध्यम में करना है। सार के रूप में हमने ले लिया यहाँ पर KOH। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, जल के साथ करवानी है, ये हमने जल का अणुसूत्र लिख दिया, जल का अणुसूत्र होता है HOH, यही होता है। एक हमने यहाँ लिख दिया OH और H, HOH हो गया, HOH और HOH, दो जल के अणु ले लिए, ये इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, बंद वियोजित हो जाएगा। जैसे ही बंद वियोजित होगा, देखना ये R, ये CO और ये R बन गया कीटोन, ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ से अपघटित हो जाएगा, ये क्या बन गया, H2
सी और ओ के कितने हैं, तीन। ये एसिड के रूप में निकल जाएगा बाहर, पीछे क्या बच गया, C2H5OH। ये उत्पाद बन जाएंगे, मुख्य उत्पाद तो हमारा हो गया, ये क्या बन गया मुख्य उत्पाद, कीटोन। कीटोन में एसीटोन बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R एक H आकर के जुड़ गया CH3। प्लस प्लस में ये बन गया H2CO3, से उत्पाद के रूप में बन गया H2CO3। और एक ये बाहर निकल गया, क्या बन गया, एथेनॉल C2H5OH। और ये हमारा प्राप्त हो गया कीटोन, और कीटोन में कौन सा कीटोन प्राप्त हो गया, एसीटोन प्राप्त हो गया। ये हो गए केवल कीटोन का संश्लेषण, और इस यौगिक को कहा जाता है एसीटो एसिटिक एस्टर का हमने क्या किया, सारे माध्यम में किसके साथ अभिक्रिया करवाई है, क्या किया, जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण होगा। ये हो गई केवल कीटोन के संश्लेषण की अभिक्रिया। एक हम केवल कीटोन के संश्लेषण की अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, ये लास्ट अभिक्रिया है, वो है एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड को हम पढ़ते हैं RCOCl से। तो इसमें क्या होता है, पहले तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाती है कैडमियम क्लोराइड के साथ। ग्रिग्नियर अभिकर्मक किसे बोलते हैं, RMgX को। इसके अणुओं की संख्या ले ली दो, इसकी अभिक्रिया करवाई कैडमियम क्लोराइड के साथ, CdCl2 के साथ। जैसे ही करवाएंगे तो ये दोनों Cl इस मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम डाइहैलाइड के रूप में निकल जाएंगे बाहर। दो अणु है, दोनों इसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे, ये कैडमियम इस एल्किल समूह को लेकर के बना लेगा डाइएल्किल कैडमियम। क्या बन जाएगा, डाइएल्किल कैडमियम R2CD के रूप में निकल जाएगा बाहर, मुख्य उत्पाद बन जाएगा, और ये दो अणु निकल जाएंगे बाहर, किसके बन जाएंगे, 2MgX और एक क्या है Cl, मैग्नीशियम डाइहैलाइड के रूप में निकल जाएगा बाहर। ये डाइएल्किल कैडमियम है, इसको क्या बोलेंगे, डाइएल्किल कैडमियम, एल्किल कैडमियम, डाइएल्किल कैडमियम। ये डाइएल्किल कैडमियम है, वो अभिक्रिया करेगा किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, RCOCl के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है डाइएल्किल कैडमियम के साथ, मीन्स R2CD के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। जैसे ही इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं, ये दो एल्किल समूह, इन दो Cl इसके साथ अभिक्रिया करके निकल जाएंगे बाहर, किसके रूप में, कैडमियम क्लोराइड के रूप में। और ये दोनों एल्किल समूह है वो यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, दो Cl है दो अणु लिए, तो ये दोनों इसके साथ अभिक्रिया करके ये निकल जाएगा वापस बाहर। क्या बाहर निकल जाएगा, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा बाहर। दो Cl गए, एक एल्किल यहाँ जुड़ा, एक दूसरे पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन गया R, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दूसरा एल्किल समूह आ गया। इसको R' के द्वारा प्रदर्शित कर दो, R के द्वारा प्रदर्शित कर दो, ये बन गया RCOR को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, कीटोन। और कीटोन में जो भी एल्किल समूह होगा उसके अकॉर्डिंग कीटोन बन जाएगा। इस अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ हमें, कीटोन प्राप्त हुआ। तो ये दूसरी अभिक्रिया हो गई केवल कीटोन के संश्लेषण की, वो है एसिटिल क्लोराइड से। पहली अभिक्रिया पढ़ी हमने एसीटो एसिटिक एस्टर से, और एसिटो एसिटिक एस्टर में एसिटो एसिटिक एस्टर का सारीय जल अपघटन किया जाता है, या उनके जो व्युत्पन्न होते हैं उनका भी सारीय जल अपघटन किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, कीटोन का। दूसरा है एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड में ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाती है कैडमियम क्लोराइड के साथ, फिर कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बनेगा डाइएल्किल कैडमियम। ये डाइएल्किल कैडमियम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, या एसिटिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, और करके किसका निर्माण करेगा, कीटोन का निर्माण करेगा। ये कीटोन बनाने की हो गई विद्या, और ये हो गया हमारा कार्बोनिल यौगिकों का विरचन कंप्लीट। पहले पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन का, उसमें 8 अभिक्रिया, फिर केवल एल्डिहाइड में 4 अभिक्रिया, केवल कीटोन में कितनी अभिक्रियाएं हैं, 2 अभिक्रियाएं। आशा करता हूं कि जो आपको बढ़ाया गया कार्बोनिल यौगिकों का विरचन वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।